हाय, हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ मैं। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, फ्री हूँ। आप क्या कर रहे हो? वो मैं रोहित से बात कर रहा था। क्या यार, हर वक्त उसी के साथ लगे रहते हो? यार सीसे वो मेरी, उनका मूड ठीक नहीं था तो बस उन्हें हंसाने के लिए मैं बात कर रहा था। और हाँ, आपको तो पता है मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ। सिर्फ लड़कियों को ही खुश रखने का ठेका लिया है ना आपने, लड़कों का भी नंबर ले लो, कभी उन्हें भी खुश रख लिया करो। बहुत से लड़के भी हैं इस दुनिया में जो दुखी आत्माएं हैं। यार आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? बहन है वो मेरी, थोड़ी ना मैं कोई गलत मतलब से बात करता हूँ। हाँ पता है मुझे, आप गलत मतलब से बात नहीं करते हो। आप पर भरोसा करती हूँ, पर मुझे उस पर भरोसा नहीं है यार। वो आपके बारे में क्या सोचती है आपको पता है? उसके मन में क्या चल रहा है नहीं जानते ना? आपने तो बोल दिया बस कि बहन है। तो क्या करूँ यार, मैं किसी को सैड नहीं देख सकता। हाँ पता है, तभी पूरा दिन उसके साथ लगे रहते हो। और ये इसका तो BF है ना, तो ये उसके पास क्यों नहीं जाती? बाबू आप शांत हो जाओ, कितना गुस्सा करोगे। कैसे शांत हो जाऊं, ऑल टाइम आपके साथ चिपकी रहती है छिपकली की तरह, डायन कहीं की। इसका BF लल्लूराम है क्या? वो नहीं मूड ठीक कर पाता इसका, जब देखो आपके पास आ जाती है। हाय भगवान, कितना गुस्सा करोगे आप बाबू। अब तो शांत हो जाओ आप, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? ट्रस्ट करती हूँ ना यार, पर किसी और गर्ल को आपकी इतनी क्लोज पाकर थोड़ा इनसिक्योर फील करती हूँ। आपको भी तो समझना चाहिए ना, आप मेरा टाइम भी उसे दे देते हो, हर टाइम उसके साथ लगे रहते हो। सॉरी जान, मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था, उनके चक्कर में मैं आपको टाइम ही नहीं दे पाया। एक्चुअली क्या है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं यही चाहता हूँ कि वो सेट ना रहे। सही है, अच्छा सोचते हो। पर एक बात बताओ, मैं किसी और लड़की के साथ अपना पूरा दिन पूरी रात बात करूं, आपको टाइम ना दूं, तो आपको कैसा फील होगा? बहुत हर्ट होगा और बहुत गुस्सा भी आएगा। मुझे भी बहुत हर्ट होता है जब आप मेरे हिस्से का टाइम भी उसे दे देते हो। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप उससे बात मत करो, बात करो आप, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर इतनी भी नहीं कि आप मुझे ही भूल जाओ। आप ऐसा क्यों सोचती हो? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरी जान हो। स्वीटू, आप भी तो मेरी जान हो। अगर वो आपकी रियल सिस होती तो भी क्या आप उससे इतनी ही बात करते? शायद नहीं करते, बस इसलिए थोड़ा इनसिक्योर फील करती हूँ, बाकी मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद आप ठीक कर रही हो, सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको हर्ट हो। सॉरी, अपने बाबू को माफ कर दो प्लीज। माफी मत मांगो, और सॉरी इतना ज्यादा गुस्सा करती मैं। एंड आप खुद ही सोचो ना, कोई रियल से अपने भाई से इतनी बात करेगी क्या? हर बात आपसे शेयर करना, हर वक्त आपके साथ लगी रहना, कौन सी बहन करती है ऐसा? आप गलत समझ रही हो, वो शायद मेरे साथ कंफर्टेबल फील करती है, इसीलिए सब कुछ मेरे साथ शेयर करती है। हाँ, कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल है वो आपके साथ। उफ, इतनी सी छोटी सी नोज पे इतना सारा गुस्सा, देखो तो कैसे लाल हो गई है, बंदे आके जैसी दिखाई दे रही है। OMG, मेरे को बंदरिया बोले, गोली मार दूंगी अभी, एनाकोंडा कहेंगे। पागल सी, कुछ भी बोलती है। आप भी तो मेरे को ऐसे बोले। और हाँ, आप कैंसर मत करा करो जान, मैं सीस को बोल दूंगा कि वो मेरे को ज्यादा मैसेज या कॉल ना किया करे, ओके? नहीं पागल हो क्या, उनको बुरा लगेगा जब उनका कॉल या मैसेज आए, तो आप बात कर लेना, पर थोड़ी सी। ओके, अब आप रेस्ट करो, फिर बात करता हूँ मैं आपसे, अभी मेरे जॉब का टाइम हो गया, इसलिए सॉरी। ओके, आप अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर टू।